हेलो एवरीवन, दिस वीडियो फॉर क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स। दिस इज़ अ चैप्टर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड। फूड मीन्स भोजन। वी नीड क्लीन फूड एंड वाटर। हमें क्लीन फूड एंड वाटर की ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट देम। हम बिना भोजन के और बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। फूड हेल्प अस टू ग्रो। फूड हमें बढ़ने में हेल्प करता है। इट मेक अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ये हमें स्वस्थ बनाए रखता है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी, मजबूत भी। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये हमें खेलने के लिए और दिन के सभी कार्य करने के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें अधिक से अधिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। राइट द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हैं, आपको उनके नेम्स लिखने हैं। ओके। ड्रिंक एटलीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क डेली। हमें डेली 2 glass दूध पीना चाहिए। इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। ये हमें बढ़ने में हेल्प करता है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। इट मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ये हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। डू यू नो वी गेट अवर फूड। क्या आप जानते हैं कि हमें हमारा फूड कहाँ से मिलता है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें हमारा भोजन पेड़ पौधों से और जानवरों से प्राप्त होता है। वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्सेस एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स। फ्रूट्स मीन्स फल, वेजिटेबल्स सब्जियाँ, पल्सेस दालें एंड फूड ग्रेन्स अनाज। ये सभी हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। वी गेट मिल्क एग एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। हमें मिल्क एग एंड मीट ये सब कहाँ से मिलता है, एनिमल से, जानवरों से। मिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मैनी थिंग्स। मिल्क हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है, मिल्क से हम क्या क्या कर सकते हैं। मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक कर्ड मीन्स दही, बटर, मक्खन, खोया, माखन, क्रीम मिलाए, etc. देखिए सर्कल द फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जिनमें से कुछ फ्रूट जो कुछ फूड ऐसे हैं जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो जो हमें एनिमल से मिलते हैं हमें उन्हें रेड से सर्कल करना है और जो हमें प्लांट से मिलते हैं हमें उन्हें ग्रीन से सर्कल करना है। ओके। द फूड डैट वी ईट एट वन टाइम इज कॉल्ड अ मील। वो भोजन जो हम एक समय पर करते हैं वो क्या होता है, हमारा मील कहलाता है। वी ईट 3 main meals इन अ डे। हम दिन भर में कितने टाइप की मील्स लेते हैं, 3 types की। वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। जो हम दिन मॉर्निंग में करते हैं वो हमारे क्या होता है, ब्रेकफास्ट। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट। वी ईट लंच इन द आफ्टरनून। देन हम दोपहर में क्या लेते हैं, लंच। एंड वी ईट डिनर एट नाइट। हमारी 3rd meal कौन सी है, डिनर, जो हम रात में करते हैं। आइसक्रीम, टॉफीज, चॉकलेट्स, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। आइसक्रीम्स, टॉफीज, चॉकलेट्स, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स ये सभी क्या हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। दे आर कॉल्ड जंक फूड। ये सभी किस टाइप का फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं। वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जो कुछ जंक फूड की है और कुछ हेल्दी फूड की है। जो जंक फूड की है हमें उनके आगे जे लिखना है एंड जो हेल्दी फूड की पिक्चर्स है उनके आगे एच लिखना है। गुड फूड हैबिट्स। आई एम फीलिंग वीक। देखिए यहाँ पे बात हो रही है गुड फूड हैबिट्स की। तो आई एम फीलिंग वीक, मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। यू डू नॉट ईट प्रॉपर फूड। क्या तुम प्रॉपर फूड नहीं लेते, दैट इज़ वाई यू फील वीक, जिस वजह से तुम वीक फील कर रहे हो।
कमज़ोर महसूस कर रहे हो, आई विल टेल यू सम गुड फूड हैबिट्स। मैं तुम्हें कुछ गुड फूड हैबिट्स बताता हूँ। गुड फूड हैबिट्स हेल्प अस टू बी हेल्दी। गुड फूड हैबिट्स कैसे हेल्प करते हैं? गुड फूड हैबिट्स हमें हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। नंबर वन, ऑलवेज ईट फूड एट फिक्स्ड इंटरवल्स। हमें हमेशा फूड एट फिक्स्ड टाइम में ही लेना चाहिए, एट फिक्स्ड टाइम में ही हमें खाना खाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। च्यू योर फूड वेल। हमें अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें अधिक से अधिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। हमें बिना ढका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। हमें अपना भोजन सदैव ढक कर रखना चाहिए ताकि उस पर किसी भी टाइप के कोई भी जर्म्स ना बैठे, किसी भी टाइप के कोई कीटाणु ना पहुँचे। ओके, डू नॉट टॉक और वॉच टीवी वाइल ईटिंग। हमें खाना खाते टाइम ना तो टीवी देखनी चाहिए और ना ही बातें करनी चाहिए। डू नॉट बाय फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। आपने देखा होगा कि हम घर के बाहर हम जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर स्टॉल्स कुछ स्टॉल्स होते हैं, जैसे चाउमीन का, टिक्की का, बर्गर, ये सब वो हमें रोड साइड से लेकर नहीं खाना चाहिए। ओके, डू नॉट ओवर ईट। हमें अधिक से अधिक भी नहीं खाना चाहिए। ओके, तो अब आप इस चैप्टर को और अच्छे से रीड करिएगा, पढ़िएगा और इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा। ओके, थैंक यू।